नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नए एनालिसिस के साथ कि बिटकॉइन एक बार फिर से जो है वो $36,000 के नीचे जो है कामकाज कर रहा है और अभी तकरीबन $34,500 का भाव चल रहा है। तो हुआ क्या है, अब क्या संकट के बादल वाकई ही छा गए हैं क्रिप्टो मार्केट में? क्या कभी ये क्रिप्टो मार्केट रिकवर होगी? होगी तो कहां तक जाएगी? या कहीं बिटकॉइन दोबारा तो डंप नहीं हो जाएगा? और मैं कुछ एक दो फैक्टर्स पे चर्चा भी करूंगा वीडियो के लेटर पार्ट में, लेकिन अभी हम ये एनालिसिस करते हैं कि ये आखिर स्लंप आया क्यों है। उससे पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं दोस्तों, एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो मैं एनालिसिस कर रहा था DBX के नाम से, तो वो प्रोजेक्ट भी मैं आपके साथ जो है कल एक्सक्लूसिव वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इसके साथ एक और एनालिसिस कर रहा था मैं इथेरियम प्राइस के ऊपर, लास्ट टाइम मैंने अपने टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो विद दैट भी, अगर आप नहीं हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ये प्रिडिक्ट किया था कि इथेरियम $10,000 तक जाएगा। उसके बाद काफी शार्प तेजी से राइज आया, उसके बाद न्यूज फ्लो जो है क्रिप्टो मार्केट में आना शुरू हो गया और अभी इथेरियम नीचे है। लेकिन 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 इसका प्राइस क्या $10,000 से ऊपर भी जाएगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल जाएगा, यही मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव वीडियो के माध्यम से शेयर भी करूंगा एक आध दिन में। लेकिन अभी बिटकॉइन में क्रैश क्यों आया है? क्योंकि परसों मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मुझे लग रहा था कि शायद जून महीना जो है क्रिप्टो के लिए अच्छा है। चार्ट्स जैसा बता रहे थे वैसा हो रहे थे और अभी भी मुझे यकीन है कि जून महीना अच्छा होगा, लेकिन न्यूज फ्लो जो है वो कम होना चाहिए। वो कम क्यों होना चाहिए? आप स्क्रीन पे देखिए, ये ब्लूमबर्ग में न्यूज आई है, बिटकॉइन स्लम्प्स एज ए ट्रेडर्स ब्रेस फॉर ए वोलाटाइल लॉन्ग वीकेंड। अब ये हुआ क्यों है, आप एक बार दूसरी न्यूज पे खबर नजर मारिए, ये खबर क्या है, बिटकॉइन वाइप्स आउट वीकली गेन्स विद 9% फॉल एज बैंक BOJ गवर्नर, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने जो है इसकी क्रेडिबिलिटी पे शक किया कि ये स्पेकुलेटिव के काम में आता है। और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर आपको अपना पैसा खोना है तो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही दोस्तों तकरीबन 1.5-2 महीने पहले जब मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो डाला था, यही चीजें मैंने उसमें डिस्कस करी थी कि क्रिप्टो में वो पैसा डालो जो आपके पास फालतू पड़ा हुआ है, रिटर्न शानदार दे सकता है क्योंकि आप अगली सदी का हिस्सा बन रहे हो। लेकिन आप अभी जहां पे रह रहे हो, ये दौर क्या है, ये उन लोगों का दौर है जो क्या करना चाहते हैं, जो छोटे लोगों के पैसे में नजर रखे हुए हैं कि कैसे उनको नुकसान दिया जाए और अपनी जेबें भरी जाए। तो अभी सिर्फ वही चल रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा तो एक एक करते हुए न्यूज आ रही है और अभी बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने न्यूज दे दी। लेकिन इस सारी चीज के बीच में हुआ क्या, आप एक बार देखिए कि जो रिटेल प्लेयर हैं, नो रिटेल प्लेयर्स आर सेट टू डोमिनेट द कमिंग ट्रेडिंग सेशंस ऑन टिपिकली थिन एक्सचेंज वॉल्यूम। होता क्या है कि सैटरडे संडे को काफी वॉल्यूम लो होते हैं, तो अगर आप देखोगे अभी जो बिटकॉइन नीचे आ रहा है विदाउट वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम काफी लो है, तो जब बड़ी मछलियां फिर से वापस आएंगी, वेल्स आएंगी, या उम्मीद है कि अगर यहां से और $30,000 तक डंप हुआ, जो मुझे नहीं लगता होगा लेकिन फिर भी संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर इसी तरह से ट्रेडर जो है अपनी पोजीशंस काटते रहे जिन्होंने लास्ट वीक बनाई होंगी, तो वो क्या करेंगे, जो बड़े पोजीशन बनाने वाले हैं वो आएंगे और मुझे लगता है कि लेवल को कटने नहीं देंगे या लेवल को प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब एक खबर है, ये मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था, तो आप देखिए यहां पे लिखा है CNBC कॉल बिटकॉइन टू $8,000 ऑन फ्राइडे, तो इट्स टाइम टू बाय। तो बिल्कुल ये भी मेरी तरह बुली है। और वहीं पे एक और ट्विटर हैंडल है, मैं वहां देख रहा था तो वहां पे बताया गया कि बिटकॉइन फंडिंग रेट इज नेगेटिव। आप देख सकते हैं नेगेटिव कैसे, क्योंकि ये माइनस में चले गए हैं, लेने वाले कम हैं बेचने वाले ज्यादा हैं। तो आगे क्या लिखा है, पीपल आर गेटिंग रेडी फॉर व्हाट दे थिंक विल बी ब्लडी वीकेंड्स। तो अब क्या नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, इससे हमें क्या मतलब लेना चाहिए? तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ये चीज आपको समझनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिटकॉइन कभी भी पॉजिटिव ले सकता है, कभी भी पॉजिटिव टर्न ले सकता है।
वो इसलिए कि कुछ लोग जो है वो बिटकॉइन को बेच रहे हैं, नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है, बेच रहे हैं ये सोच के कि शायद ये और नीचे जाएगा, तो जैसे ही रिवर्सल आएगा यही लोग खरीदने के लिए आएंगे तो ये फिर पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंच जाएगा। तो ऐसे चार्ट को देख के, ऐसी कमेंट्स को देख के, ऐसे ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करके आपको नेगेटिव पोजीशंस मार्केट में नहीं बनानी, अपना पोर्टफोलियो खाली नहीं करना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो आपको वो इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी चाहिए। अब एक बार देखते हैं कि हुआ क्या है। ये सारे रोज एक न्यूज आ रही है, रोज स्लंप आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स है क्या हैं। वैसे भी जब मैंने बाइनेंस के ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया था, मेरे दोस्तों ने बोला था कि सर वो तो जापान में है, और कईयों ने कहा था वो कैमन आइलैंड पे है, और कईयों ने कहा था कि टैक्स हेवन कंट्रीज में है। अब जापान का आपको समझ में आ गई कि अगर जापान के गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दी है, कल चाइना की तरह कोई क्रैकडाउन हो जाता है या चाइना की तरह कुछ ये एक्शन ले लेते हैं जापान वाले भी, तो फिर क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। लेकिन क्या क्रिप्टो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये न्यूज फ्लो जो है ये क्रिप्टो के साथ काफी देर से चल रहा है और आने वाले समय में चलता रहेगा, जब तक ये जो सेंट्रल बैंक हैं, जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक हैं, वो इस पे सवाल भी उठाते रहेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी जो है वो क्रिप्टो की वजह से डिग्रेड होती है। लोग जो है उनकी करेंसी होल्ड करना कम, बैंकों में पैसे रखना कम, क्रिप्टोज में ज्यादा रख रहे हैं। तो ऐसे आने वाले टाइम में क्या इन कंट्रीज की इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ सकता है? तो ये न्यूज फ्लो आपको आते हुए नजर रहेंगे। तो आपको करना क्या है और हुआ क्या है? सिंपल, अगर आप खरीद के बैठे हुए हो तो आपको सिर्फ अभी क्या करना है, होल्ड 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 इज द की, पेशेंस, जो आपको आने वाले टाइम में मुनाफा देगा। अब दोस्तों आप स्क्रीन पे देखिए, ये मैं न्यूज़ देख रहा था और थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि डेली हो क्या रहा है। चाइना क्रैकडाउन ऑन बिटकॉइन माइनिंग इज गेटिंग रियल। ये जो चाइना ने पीछे कहा था, तो मैक्सिमम ये बोल रहे थे कि ऐसी खबरें बार बार आ रही हैं, चाइना करता कुछ नहीं है, लेकिन इस बार ये असल में हो रहा है। वो हो कहां से रहा है? क्योंकि जो चाइना का रीजन है इनर मंगोलिया, इनर मंगोलिया फेमस था जहां पे काफी बड़े पैमाने पे बिटकॉइन की माइनिंग होती थी। आप देखिए चाइना का ये जो रीजन है, मैं ये देख रहा था तो यहां पे कुछ आपको बताना चाहता हूं। द नॉमिनल जीडीपी ऑफ इनर मंगोलिया इन 2015 वाज 1.8 ट्रिलियन युआन विद एन एवरेज एनुअल इंक्रीज ऑफ 10% फ्रॉम द पीरियड 2010 टू 2015। इट्स पर कैपिटा जीडीपी रीच्ड USD 11,500 इन 2015, रैंकिंग नंबर 4 फोर्थ एमंग ऑल द 31 प्रोविंसेस ऑफ चाइना आफ्टर शंघाई बीजिंग एंड तिनजिंग। तो फोर्थ नंबर का प्रोविंस है, ये कैसे बना? अब क्योंकि जो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इसमें कंस्ट्रक्शन का, कमर्शियल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा हाथ था, और उससे भी ज्यादा हाथ था जो यहाँ पे चीप इलेक्ट्रिसिटी है। जी हाँ, चीप इलेक्ट्रिसिटी है उसका। वो चीप क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनर मंगोलिया में लार्जेस्ट जो है यूजेबल विंड पावर कैपेसिटी है चाइना में, क्योंकि यहां पे हवाएं बड़ी तेज चलती हैं, थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग विंड्स विच डेवलप इन प्रोविंस ग्रासलैंड्स। तो सम प्राइवेट कंपनीज हैव सेट अप विंड पार्क इन पार्ट ऑफ इनर मंगोलिया सच एज बिलम मियो जुवाई एंड ह्यूटेन गिलियांग। तो उसके बाद आपको एक और बात पे नजर रखनी चाहिए कि इनर मंगोलिया इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कोल प्रोडक्शन बेस विद मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड कोल रिजर्व लोकेटेड इन प्रोविंस। विंड एनर्जी पे आपने बात की, उसके बाद आपकी आपको रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें कोल बेस्ड एनर्जी है। इट्स प्लान टू डबल एनुअल कोल आउटपुट बाय 2010 टू 500 मिलियन टन ऑफ कोल ईयर। खबर पुरानी है विकीपीडिया में, तो ये 2010 से अब 2020 चल रहा है, तो आप 21, तो आप समझ सकते हो कि कितनी वहां पे जो है इस पे काम काज हुआ होगा। अब उसमें आगे बताया है, इंडस्ट्री इन इनर मंगोलिया हैज ग्रोन अप मेनली अराउंड कोल पावर जनरेशन, फॉरेस्ट्री रिलेटेड इंडस्ट्री एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। अब हुआ क्या कि इनर मंगोलिया में इस सारी चीजों की वजह से क्या था, क्रिप्टो की माइनिंग बहुत अच्छी हो रही थी, यहां पे बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स लगे हुए थे,
लेकिन जब से क्रैकडाउन हुआ है, वो क्रैकडाउन हुआ है इनर मंगोलिया के रीजन पे, और वो क्रैकडाउन अब रियल में हो रहा है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कहा है अगर कोई माइनिंग करता पकड़ा गया, माइनिंग होती हुई हुई, किसी के पास बिटकॉइन होल्ड में है या बैंक उसको ऑनर कर रहे हैं या बिटकॉइन की वजह से कोई दिक्कत आ रही है या बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है या उससे खरीद फरोख्त हो रही है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और आपको पता है चाइनीज जो है ये इस मामले में बहुत सख्त है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई सरकारी अफसर बिटकॉइन में रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया तो उसको एंटी करप्शन लॉज के तहत काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वहां पे ये हालत है, जहां तक मैं चाइना को जानता हूं, तो वो पूरे के पूरे उनके असेट्स तो ले ही लेते हैं, साथ में उनको जितने सरकारी बेनिफिट हैं उनसे वंचित रखते हैं, उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है और उसके बाद उनको काम करना चाइना में डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब क्या हुआ कि मंगोलिया से जो माइनिंग फार्म्स थे वो हट रहे हैं। जी हां, वहां से वो निकल रहे हैं, हट रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही प्राइस ऊपर आ रहा है बिटकॉइन का, तो बड़े बड़े जो होल्डर्स हैं, जिनके पास बिटकॉइन होल्ड किए हैं, जिन्होंने माइन करके रिवार्ड के रूप में लिए हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, उनको सेलिंग में डाल रहे हैं। और सेलिंग के लिए जब वो आते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्राइस इसका डंप हो जाता है। अब आगे क्या, इस सारी चीज का फायदा कौन उठा रहे हैं, वो बड़े इन्वेस्टर उठा रहे हैं जिनके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन नहीं थे, लेकिन अब उनको मौका मिल रहा है कि वो बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो कि मैंने एक दो डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि कैसे बड़े बड़े फंड हाउसेस क्या कर रहे हैं, जैसे बिटकॉइन की कोई बड़ी सेलिंग आती है वो उसको क्या कर लेते हैं, फौरन बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और जो आर्टिकल हैं जो मैंने पीछे आपसे 3-4 महीने पहले 6 महीने पहले शेयर किए थे, जो बड़े इन्वेस्टर इसकी कीमत 1 लाख 2.5 लाख 3 लाख डॉलर तक देखते हैं, तो उनकी भी कैलकुलेशन है अपनी, तो वो लोग इसको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं पोर्टफोलियो में अपने बना के रख रहे हैं। तभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब तक उनकी तरफ से खरीद जारी है, उनकी तरफ से पॉजिटिव न्यूज जारी है, उनकी तरफ से आपको कोई बैड न्यूज नहीं आती, आपको अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो खाली नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी आपने पीछे देखा एलन मस्क ने क्या कहा था, आई हैव एन डायमंड्स, तो इसका मतलब था कि उन्होंने भी अपना बिटकॉइन नहीं बेचा। तो जब तक किसी भी क्वार्टर की बैलेंस शीट किसी भी अच्छी कंपनी की नहीं आती जिसने बिटकॉइन खरीदा हुआ है, तो आपको अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो लेके पैनिक नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, वेट करो, वॉच करो, देखो जब जंप आता है, राइज आता है, वहां पे खाली करो, नीचे आता है तो फिर बाय करो। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है तो उसको पैनिक में सेल मत करो, जो कि अभी मैं देख रहा हूं काफी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा, क्रिप्टो 8,000 5,000, बिटकॉइन 4,000 3,000 डॉलर तक दोबारा से आ जाएगा, क्रैश आ जाएगा। होने को दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्पेयर मनी है, पड़ी हुआ पैसा, तो आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी जो भी आप पोर्टफोलियो में रखी हुई है उसको होल्ड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ अच्छे कॉइन भी होल्ड करने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे ही हफ्ता दो हफ्ता कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं आई, तो मार्केट आपको ग्रेजुअली जो है रिकवर करते हुए भी नजर आएगी। वैसे भी अब जो मंगोलिया में क्रैकडाउन हुआ है, उस वजह से जो बिग माइनिंग फार्म्स हैं जो मंगोलिया में लगे हुए थे, जो वहां से निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, वो यूएस में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, जहां पे इतनी ज्यादा सख्ती नहीं है, जहां पे पॉलिसीज जो हैं वो क्रिप्टो के साथ फेवरेबल हैं। तो जब वो वहां से निकल के वहां पे एस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो दोबारा से क्या हो जाएगी, मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज जो है यहां से निकल के कहीं और नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि जिनके पोर्टफोलियो में है, जिनको आदत लग चुकी है, जिनको लत लग चुकी है, वो इतनी आसानी से इसको छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने बाइनेंस का, जब चाइना ने एक्सचेंजेस पे क्रैकडाउन किया तो बाइनेंस ने वहां से निकल के बाकी कंट्रीज में अपना बेस बनाया। लेकिन अब कंट्री की कंट्रीज इसके पीछे पड़ जाए आने वाले टाइम में, तो उसका तो वक्त ही डिसाइड करेगा तब क्या होगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए, जब तक ये थोड़ा सा बैड न्यूज का दौर खत्म नहीं होता, जब तक बिटकॉइन 42,000 डॉलर जो के ऊपर निकल के ट्रेड करना 3 दिन के लिए शुरू नहीं करता, तब तक आपको थोड़ा सा पैनिक रखना चाहिए, थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट आपको अपनी इंटैक्ट रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आएगा। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की ईमानदार कोशिश करूंगा। क्रिप्टो विद एसबी।
ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिए ताकि आपको आसानी रहे। सुशांत बख्शी फेसबुक पे पेज है, आपने फॉलो करना है, बिल्कुल करना है। और मुझे लगता है कि वीडियो यहीं रोक के पहले फॉलो करोगे, उसके बाद इसका अंत देखोगे। वीडियो ख़त्म करने चाहता हूँ, इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।